Okay. Good morning and welcome to all of you in the live session of science. And today, what we have to do, we'll do the revision of the previous chapters. So, are you all ready for that? Yes, ma'am. Speak yes, ma'am. Again. Yes. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, today, the first question which I'm going to give is, evaporation and boiling. Okay, two terms. I'm going to write it here, evaporation, and the second term is boiling. And now one by one you have to give the answers of evaporation and boiling. Okay, who will give the answer of evaporation? Who will give it? Ma'am. Yeah. Ma'am. Yes, why not? Ma'am, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. Okay, conversion of water into water vapor. Water into vapor, it is going to be converted, okay? Now, boiling. What is the meaning of boiling? ये तो मुझे पता नहीं था कि उबालना बोलते हैं. चलिए आप लोगों ने बता दिया. हाउ विल यू डिफाइन बॉइलिंग? हीट वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग. नाउ Lakshita Singh, please mute yourself now. Mute yourself, Lakshita. Shreya Gupta, still sound is coming. Yes, ma'am. Please mute yourself, beta. Someone is discussing something in your house. Okay. See, evaporation and boiling. Evaporation kya hota hai? Let's take the simplest exam. Example of evaporation, wet cloths. Okay, wet cloths means गीले कपड़े. जब भी आप नहाते हैं तो क्या होता है, कपड़े धुलते हैं या ऐसे कपड़े धुलते हैं. ना नहाए तो भी कुछ लोग क्या करते हैं, भाई दो दिन हो गए चलिए हम कपड़े चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है, नहाएंगे अब जब मन करेगा तब नहाएंगे. तो क्या करते हैं, जब वो वेट क्लॉथ्स होते हैं तो वो आपके घर में भी सूख जाते हैं, ठीक है, और धूप में बाहर अगर आप धूप में डालते हैं तो भी सूख जाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज वाइपिंग ऑफ योर हाउस. ओके, वाइपिंग मतलब पोछा लगाना. जो आप पोछते हैं, पानी डाल के पोछा लगाते हैं, तो दैट ऑल्सो इज देयर ऑल्सो इवेपोरेशन अकर्स. तो जब आप पोछा लगाते हैं तो आपने पानी का एक पतला सा लेयर लगाया होता है ग्राउंड पे, वो पानी गायब कहाँ हो जाता है, तो क्या वहां पे बॉइलिंग होता है, क्या है वहां पे इवेपोरेशन होता है? विच प्रोसेस अकर्स देयर, इवेपोरेशन और बॉइलिंग? इवेपोरेशन. ओके, यस, इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. जैसे बॉइलिंग के लिए व्हाट इज नेसेसरी फॉर बॉइलिंग, 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइल कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर माना गया है जिसपे कोई भी चीज क्या होगी, जनरली वॉटर हम लेते हैं तो वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज वॉट कॉल बॉइलिंग. ओके, इतना हीट करिए कि जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, तो दैट इज वॉट कॉल बॉइलिंग. उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग. और इवेपोरेशन का कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता, वो किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है. आप घर में भी कपड़े सुखाएंगे तो धूप नहीं है तो भी कपड़ा सूख जाता है एक दो दिन में. अगर आप छत पे सुखाते हैं इन सनलाइट तो भी सूख जाता है. आप फैन ऑन करके भी सुखा लेते हैं, आप बिना फैन ऑन किए भी क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इवेपोरेशन व्हिच टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. ठीक है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. अब ये इवेपोरेशन होता क्या है, तो वॉटर का किसमें कन्वर्ट हो जाना, वेपर में कन्वर्ट हो जाना, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना. लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या है, इवेपोरेशन प्रोसेस है. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा इन प्लांट्स यू ऑल हैव रेड अबाउट ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन पढ़ा था ना, लॉस ऑफ वॉटर.
Yes, ma'am. Loss of water from the plant through stomata in the form of what? Vapor. That is what called transpiration. तो वहां भी एक तरह का इवेपोरेशन प्रोसेस ही हो रहा है. मतलब वाटर क्या हो रहा है, पहले प्लांट में वो लिक्विड फॉर्म में था और लिक्विड फॉर्म से वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, किस फॉर्म में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में चेंज हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, स्वेट जो निकलता है आपकी बॉडी से, स्वेट जिसे हम पसीना कहते हैं, स्वीट नहीं, आई एम नॉट सेइंग स्वीट, इट इज स्वेट, एस डब्ल्यू ई ए टी. ओके, तो जो स्वेट है हमारी बॉडी से वो क्या हो जाता है, आप देखते बहुत दौड़ के आएंगे, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, एंड आफ्टर सम टाइम एज यू विल स्टैंड अंडर द फैन, फैन के नीचे खड़े रहेंगे या कोई हवा जहां आता होगा या ठंडे में खड़े रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्वेट गायब हो जाएगा. वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. तो इवेपोरेशन, जैसे आपको पसीना होता है इस सीजन में, तो पसीना इज द मोस्ट कॉमन थिंग, स्वेटिंग इज वेरी कॉमन, वेदर यू आर डूइंग एनी वर्क, फिजिकल एक्सरसाइज, और यू आर प्लेइंग, और यू आर रनिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, स्वेटिंग इज कॉमन थिंग. ऐसा कोई है जिसे स्वेटिंग होता ही नहीं है? इज देयर एनीवन आउट ऑफ दीस स्टूडेंट्स, दोज हु आर लाइव विद मी टुडे? कोई ऐसा है? ओके, so all have a pores and all, okay, सारे animals में क्या होगा, sweat. जो पसीना है वो क्या होता है, droplet के form में यहाँ पे appear हो जाता है, मतलब liquid के form में आपको नजर आता है. तो आप क्या करते हैं, हैंकी से पोछते रहते हैं या ऐसे करके दूसरे पे बिखरा देते हैं, तो जो भी आप शैतानियां करते हैं, that is liquid form, sweat. ठीक है, लेकिन वो sweat जैसे आपके body पे हवा आती है by fan or by air, natural air, by sitting in AC, तो हाँ, तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है. बाय विच प्रोसेस, बाय इवेपोरेशन प्रोसेस. नाउ यस, शरीर ही मेहनत करता है. मैम, एनिमल्स को भी पसीना होता है? यस मैम. मैम, वो अपने शरीर ही में रहता है स्वेट की, मैम बाहर चला जाता है, एटमॉस्फेयर, हवा में चला जाएगा उड़ के. ठीक है, अगर डेली का स्वेटिंग बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा. ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर, देखिए एक्स्ट्रा वाटर, जो भी आप पानी पीते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है, स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है. ठीक है, यस मैम. हमें पसीना क्यों होता है? पसीना इसलिए होता है ताकि आपकी बॉडी जब थोड़ी गर्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, जैसे बहुत ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो आपकी बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस तो बन नहीं सकती, क्या होगा, गर्म हो जाती है, तो वो अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को, वो क्या करती है, स्वेट करती है, स्वेटिंग. तो जैसे पसीना है और वहां से उड़ता है ना, तो उस जगह की गर्मी को क्या करता है, आसपास की गर्मी को वहां से उड़ा ले जाता है. इसलिए जब भी आपको बहुत ज्यादा पसीना होता है और आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि जो भी चीज भाप बन के उड़ती है वो आसपास के हीट को क्या कर ले जाती है, उड़ा के लेके चली जाती है. तो आपकी बॉडी में जो भी हीट है, गर्मी है, वो स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन जब होता है पसीने पे, जब इवेपोरेशन से उड़ना शुरू करता है तो वो वहां का हीट क्या कर लेता है, लेके बाहर चला जाता है, जिससे वो जगह आपको कैसी लगती है, ठंडी लगती है. ठीक है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होता है, स्वेटिंग होती है. इज इट क्लियर? यस मैम. बॉइलिंग वाटर मैम. Yes. अगर वाटर ठंडा होता है तो उसमें टाइनी टेम्पलेट क्यों आती हैं? ड्रॉपलेट्स क्यों आती हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स क्यों आती हैं? ये वाटर है आपका, कोई भी ग्लास में ठंडा पानी लीजिए, ठीक है, तो ये ग्लास तो आपका ठंडा है, लेकिन आसपास की जो एयर है वो क्या है, इस ठंडे ग्लास के कंपैरिजन में यहाँ आसपास की जो हवा है वो गर्म है ना, तो जैसे ही ये गर्म हवा इस ग्लास पे टकराती है तो हवा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म, एयर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, और जब ये इस गैस, ये गैस स्ट्राइक करेगी इस वॉल पे, टकराएगी जो कि कांच का हो, स्टील का हो, जो भी, तो ये गैस जो है ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी किस फॉर्म में दिखाई देगी, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे अपीयर होने लगेगी. ठीक है, जितना ठंडा पानी है अगर उतना ही बाहर गर्मी होगी तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट और ज्यादा तेजी से अपीयर होंगे. ठीक है, ये गर्म
ये गर्म कौन है? बाहर आसपास का एयर है, जो एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि क्या है, एयर चारों तरफ प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपने इस ग्लास में ठंडा पानी रखा तो ये ग्लास क्या हो गया, ठंडा हो गया। और आसपास का एनवायरमेंट क्या है, गर्म है। किसकी कंपैरिजन में? इस ग्लास के वाटर की कंपैरिजन में वो पानी क्या है, सॉरी वो हवा क्या है, गर्म है। तो जब ये गर्म हवा इस ठंडे चीज पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हवा ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और ठंडे होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसलिए इस ग्लास के बाहर आप क्या देखते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स यहाँ पे अपीयर हो जाता है, ये दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो ग्लास लीक कर रहा होता है और पानी क्या है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। या आप फ्रिज से चिल्ड बॉटल जब निकालते हैं, दैट चिल्ड बॉटल व्हेन यू जस्ट कीप इट आउटसाइड, यू विल गेट टू सी आफ्टर फ्यू मिनट्स दैट ड्रॉपलेट ऑफ वॉटर अपीयर्स वेयर, ऑन आउटसाइड द बॉटल। बाहर बॉटल के क्या होता है, अपीयर हो जाता है। वो क्या है, वो आसपास की हवा है जो टकरा रही है, किससे, बॉटल से टकरा रही है। और बॉटल का टेम्परेचर क्या है, बहुत लो, जिसकी वजह से हवा विच वॉज अर्लियर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस विल नाउ कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई भी ठंडी चीज ले लीजिए, इफ यू टेक आइसक्रीम, सेम कंडीशन। जरूरी नहीं है ठंडा पानी बार बार निकालिए, कोई भी चिल्ड चीज अगर कटोरी बाउल में होगा या प्लेट में रखे या सॉसर जहां पे भी रखना, कप में रखे, ग्लास में रखे, तो सेम प्रोसेस विल अकर्स। इज इट क्लियर? नाउ बॉइलिंग पे, बॉइलिंग की बात कर रहे थे, तो बॉइलिंग हैव अ फिक्स टेम्परेचर। और बॉइलिंग पूरा ये, अगर किसी कंटेनर में आपने पानी रख के गर्म किया हुआ है, गर्म कर रहे हैं, तो ये पूरा पानी क्या होगा, बॉइल होगा। इज इट क्लियर? पूरा पानी में कुछ देर के बाद आपको क्या होगा, सारे पानी में यू विल गेट टू सी बबल्स अराइज, बबल्स आपको दिखाई देने लगता है, पानी खोलने लगता है, बॉइल होने लगता है। इट मीन्स वॉटर हैज रीच टिल विच डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पहुंच गया, पानी खोलने लगा। तो ये पूरे कंटेनर में जितना भी वॉटर होगा उसमें ये होगा। लेकिन टॉकिंग अबाउट वॉट इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन सिर्फ अपर सर्फेस से होता है। सपोज ये इतना मोटा कोई चीज है, तो सबसे ऊपर लेयर का पहले पानी इवेपोरेट हो जाएगा, फिर उसके नीचे वाला लेयर इवेपोरेट होगा, फिर उसके नीचे वाला लेयर इवेपोरेट होगा। जैसे कि बाढ़ आता है, फ्लड, दिस ईयर ऑल्सो फ्लड हैज केम, या कभी वाटर लॉगिंग हो जाती है बारिश की वजह से, जो खड्डे हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवर फ्लडेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भर जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो कुछ दिन के बाद जैसे ही धूप निकलता है, पानी का लेवल घटने लगता है। देखा होगा, अचानक से गायब नहीं होता, बट धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। वो घटने का चीज क्या है कि पहले मान लीजिए ये छोटा सा ये खड्डा था, ठीक है, और इतना पानी भरा था। तो फर्स्ट डे आपने देखा कि अच्छा ये पूरा क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। सेकेंड डे क्या होगा, ये पानी का लेवल यहाँ आ जाएगा। थर्ड डे क्या होगा, पानी का लेवल और कम हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद ये पूरे खड्डे में से पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बॉइलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इवेपोरेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इज इट क्लियर? विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस द वॉटर विच कम्स डाउन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल will use to get evaporated. Please मेरी बात तो सुन लिया करिए, उसके बाद मैम मैम किया करिए। आपका ध्यान मैं जो बोल रही हूँ उस पर नहीं है। I'll give you time to ask. First listen what I am saying here. ठीक है, तो पहले अपर लेवल क्या होता है, वॉटर इवेपोरेट हो जाता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। मतलब इवेपोरेशन पूरे सर्फेस से ना होके सिर्फ अपर लेयर से ही होता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Now ask, who was asking the question? Ma'am, ma'am. कौन था? No one. अभी किसी को नहीं पूछना? Okay, next question. ये topic समझ में आ गया? What is evaporation and what is boiling? Yes, ma'am. Okay, difference क्या है? Evaporation का कोई fixed temperature नहीं होता, ठीक है? और evaporation का definition क्या है? Conversion of water into water vapor, ठीक है? And simply heating of water is what called boiling. Heating of water and that water या कोई भी चीज 100 degree Celsius पे आ जाए तो that is what called boiling. Boiling पूरे surface में होगा,
बट इवेपोरेशन सिर्फ अपर सरफेस से होगा. इवेपोरेशन 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन बॉइलिंग तभी चलेगा जब आप उस किसी चीज को हीट करेंगे. अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट प्रोवाइड हीट टू दैट एनीथिंग, व्हाटएवर यू हैव टेकन विल नॉट बॉइल. बट इवेपोरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है. धूप निकलेगा तो भी इवेपोरेशन होगा, धूप नहीं निकलेगा तो भी इवेपोरेशन होगा. ये अलग बात है कि कपड़ा ठंडे में 100 सेल्सियस होगा ना, वाटर बॉइलिंग ना. यस मैम, यस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. और इवेपोरेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है. बॉइलिंग के लिए आपको हीट करना जरूरी है, बट फॉर इवेपोरेशन हीटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, इवेपोरेशन कहीं भी कभी भी हो सकता है और वो हमेशा चलता रहता है. तो दिस जस्ट कीप इट इन योर माइंड. ये नहीं है साइंस मींस व्हाट, जो भी आप जाने उसको अच्छे से जान लीजिए. बस ये नहीं कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज इवेपोरेशन. कोई पूछ दे कि भाई दो तीन एग्जांपल बताइए, तो अब मैम तो पढ़ाई नहीं तो मैं सोच रहा हूँ तो नहीं आता. ओके, साइंस मींस व्हाट कि आप उसके बारे में जानिए और क्यूरियस होइए और पूछिए. इवेपोरेशन से रिलेटेड यहाँ कई सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े, एंड यू कैन नाउ गिव एनी ऑफ द एग्जाम्पल. वेटिंग, वेट क्लॉथ को ड्राई करना, पोछा लगाते सूख जाना, ठीक है, कपड़े का सूख जाना, इसके अलावा स्वेट का क्या हो जाना, इवेपोरेट होना, एवरीथिंग वॉट एवर इज वेट और वॉट एवर कंटेन्स वॉटर हैज टू वॉट इवेपोरेट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. अगर हवा तेज होगी तो इवेपोरेशन तेजी से होगा, हीट ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन तेजी से रहेगा. धूप तेज रहता है तो देखा होगा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और बादल क्लाउडी वेदर रहता है तो होता है. यस मैम, आपसे एक बात पूछे मैम, हवा में, हवा जब एयर मैम बहुत तेज चलती तब जल्दी मैम कोई चीज स्वेट होता है कि मैम जब वेट होता है मतलब पसीने छूटते हैं मैम, जब सूखता है मैम, जब ज्यादा तेज एयर चलती है कि मैम जब ज्यादा तेज धूप रहती तब जल्दी. देखिए एयर सनलाइट ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके प्रेजेंस में क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है. मतलब इवेपोरेशन तेजी से होता है, मतलब पानी भाप में तेजी से कन्वर्ट होता है. अगर टेम्परेचर सनलाइट है तो मतलब टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो तुरंत ही आप कपड़ा डालेंगे और क्या हो जाएगा, कपड़ा सूख जाएगा. बट इफ द विंड वेलोसिटी, अगर हवा बहुत तेज है तो क्या होगा, तो भी आपका कपड़ा सूख जाएगा. तो ये डिपेंड कर रहा है कि हवा तेज है या सनलाइट तेज है, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, क्लाउडी वेदर हो जाता है, बादल लग जाता है. yes, ma'am, yes. और हवा तेज रहती है तो भी आपके कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि हवा की वजह से क्या है, इवेपोरेशन का रेट. यस यस, इट डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग वेयर वी आर लिविंग. ठंडे में वही कपड़ा दो दिन लगते हैं सूखने में, क्योंकि धूप नहीं निकलता. हवा तो होती है लेकिन धूप नहीं निकलता, और एटमोसफेयर में मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा होता है, ठीक है. तो सूखता है लेकिन धीरे धीरे. इट मींस टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है इवेपोरेशन के लिए. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन बहुत तेजी से होगा, ठीक है, और टेम्परेचर कम तो इवेपोरेशन कम होगा. ओके यस मैम, हम लोग के एटमोसफेयर में कितनी ह्यूमिडिटी होती है कि हम लोग का इवेपोरेशन स्लो हो जाता है? देखिए ठंडे के टाइम में इवेपोरेशन आपका स्लो हो जाता है, क्योंकि जो नमी है वो बढ़ जाती है. इसके अलावा आपने देखा मॉनसून सीजन में भी, मॉनसून में चारों तरफ ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट. यस, रेन की वजह से मॉइस्चर बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज्यादा हो जाता है. इसलिए जो आप कपड़े सुखाते हैं बरसात के दिनों में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज भरा है फिर वो इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा, एटमोसफेयर में ही, और एटमोसफेयर में मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन सिवेश? नो मैम. ओके, समझ में आया आपको? यस मैम. ओके चलिए, वेरी गुड दैट स्टूडेंट्स आर नाउ आस्किंग क्वेश्चन. आई वो इवेपोरेशन आज एक बार 100% जो दिया है मैम उसको एक बार समझा दीजिए. इवेपोरेशन 100% का दिया है मैम? नहीं दिया है टेम्परेचर पे हो सकता है,
ठंडा रहे तो भी गर्म रहे तो भी। बॉइलिंग के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ना कि इवेपोरेशन के लिए। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के यही बता रही हूँ कि इवेपोरेशन कभी भी हो सकता है, छत पे कपड़ा ले जाए तो भी सूख जाएगा क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, और घर में भी सूख जाएगा जहां टेम्परेचर कम होता है, रात में भी सूख जाएगा, दिन में भी सूख जाएगा, ठीक है। वहां आपको सनलाइट या एयर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉइलिंग के लिए आपको जरूरत क्या है, यू हैव टू गिव हीट। आपको क्या देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अनलेस नॉट प्रोवाइड हीट बॉइलिंग नहीं होगा। आप पतीले में कंटेनर में लेके खड़े हैं तो वहां बॉइलिंग नहीं होगा जब तक आप उसको गैस पे नहीं रखेंगे, जब तक आपने गर्म नहीं किया तब तक वहां पे कोई बॉइलिंग प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि गर्म करेंगे तो टेम्परेचर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉइलिंग का फिक्स्ड टेम्परेचर है, और इवेपोरेशन का कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। जीरो डिग्री सेल्सियस आपका वीडियो पॉज हो गया मैम। यस मैम, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है? आइस कितने डिग्री सेल्सियस? 0। वाटर, सॉरी, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट आइस। 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और 4 डिग्री सेल्सियस से आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से आइस का बनना शुरू हो जाता है। देखा होगा आइस ट्रे में, जैसे ही आप पानी रखते होंगे आइस ट्रे में, तो पतला सा ऊपर पहले बर्फ जम जाता है, ऐसे प्रेस करेंगे तो नीचे पानी रहेगा, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे बर्फ बनना शुरू होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस, और पूरा बर्फ कब बन जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बनना कब शुरू होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में, और पूरा बर्फ जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। पानी बॉइल कितने डिग्री सेल्सियस पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। डन? यस मैम। एनी प्रॉब्लम मैम? फ्लॉट, हु इज दिस? पूछिए फिर से। Yes. मैम, yes. गैस और कोल में सबसे तेज बॉइलिंग कौन करेगा? गैस और कोल, नॉट गेटिंग योर वर्ड। गैस एंड व्हाट? कोल्ड? नो मैम, गैस एंड कोल। गैस एंड कोल में सबसे ज्यादा बर्न कौन करेगा? गैस सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आप एलपीजी जलाते हैं उसमें ज्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू कोल, ठीक है। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू, ये आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कार्बन का अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये आप सीनियर क्लास के लिए रख दीजिए बेटा, अभी आपको समझा के भी कोई फायदा नहीं, नहीं समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स टू आस्क? No, ma'am. Okay. Now, the next question which I'm going to ask is about plants. Okay. Plants ke baare mein padhte hain, let's discuss about something, some questions, few questions about plant. Okay. Now talking about plant, how is plant different from animal? ये तो सबसे पहले ये ओवन नहीं है, दिस इज ओन। समवन इज स्पेलिंग दिस एज ओवन, दिस इज ओन। ओके, अपना खाना खुद बनाना, how to pronounce this? Yes, oven. Oven means what? Ma'am, plant. ठीक है, plant how to pronounce it? Plant are autotrophic. सबसे पहले आप बोलेंगे कि plant autotrophic होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से prepare कर सकते हैं, ठीक है। A term ma'am, इसलिए leaf
फैक्ट्री कहा जाता है मैम प्लांट की. यस वेरी गुड वेरी गुड शिवेश. प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. नाउ ऐसा क्या होता है प्लांट के पास कि प्लांट ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. वी ह्यूमन डोंट हैव दैट फैसिलिटी बिकॉज ऑफ अ बिकॉज ऑफ व्हाट मैम क्लोरोफिल कर दो. Yes, very good. Because of chlorophyll. Okay, what is chlorophyll? What is chlorophyll? Yes, it is a green pigment. हरे कलर का क्या होता है? Pigment. Pigment मतलब ही कलर होता है. तो ऐसा कलर जो green green है. और ये ग्रीन कलर क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है. सनलाइट को क्या एब्जॉर्ब करता है जिससे कि कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स. ओके तो प्लांट के पास ये है क्लोरोफिल व्हिच वी डोंट हैव. यस प्लांट यूज्ड टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. मैम कोई रोडोप्लास्ट भी होता है. Who is and gives oxygen? Who is this? Who is asking rhodoblast? Can you tell me your name? Who is she? Shreya Gupta. आपने पूछा है rhodoblast? Yes, ma'am. Okay. Yes. No, ma'am. नहीं. ओके आई थॉट यू हैव आस्क्ड. आई थिंक लक्षिता हैव आस्क्ड. वेयर इज शी? यस मैम. फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दीस क्वेश्चंस लक्षिता? मे आई नो? लक्षिता मैम. यस मैम. फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दीस क्वेश्चंस बेटा? मैम बगल में मेरा भाई बैठा है ना, वो मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा है. बार बार कह रहा है ये पूछो ये पूछो. मैम लक्ष्य सिंह. वी आर नॉट डूइंग फैमिली ड्रामा. लिसन इट केयरफुली. आई एम नॉट प्लेइंग योर फैमिली ड्रामा. वी आर डूइंग क्लास हियर एंड जस्ट डिस्कस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए. ठीक है पूरी फैमिली को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं आया है. फॉर यू ओनली आई एम टीचिंग हियर. And if he has any problem, he can call me and he can ask anything. Ninth ki padhai aap sixth class mein kar rahe hain. Hat gayi chahiye rat ka ke. Class. Okay now. मैम क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल वी आर डिस्कसिंग. ठीक है. ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है. लीफ में और सारे भी बहुत सारे कलर्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा प्लांट में रेड कलर का भी होता है. ठीक है ग्रीन कलर भी होगा, येलो कलर भी प्रेजेंट होगा. मेनी मेनी डिफरेंट कलर्स यू विल गेट टू सी. जैसे व्हाइट कलर का फ्लावर होता है तो उसमें कैसा कलर हो सकता है. रेड कलर टोमेटो रेड होता है तो उसमें कौन सा पिगमेंट होगा. तो जिस तरह का फ्लावर और फ्रूट होगा उस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होगा. अब ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. लिसन मी एंड देन यू जस्ट से व्हाटएवर यू हैव टू स्पीक. ओके आई विल गिव यू टाइम. ठीक है जिस तरह का फ्लावर होगा, जिस तरह का फ्रूट होगा, उस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट में. ठीक है अगर व्हाइट होगा तो ल्यूकोप्लास्ट होगा, रेड होगा तो क्रोमोप्लास्ट होगा जो अभी किसी ने पूछा था लक्षिता. ओके ग्रीन कॉमन कलर है बिकॉज मैक्सिमम प्लांट आर विद व्हाट विच इन कलर? ग्रीन कलर. ठीक है तो ये प्रेजेंट होता है प्लांट में जिससे कि प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है. इज इट क्लियर? तो जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट लीफ, कमिंग टू द लीफ, आई हैव एक्सप्लेन्ड वेनेशन. कैन एनीवन टेल व्हाट इज वेनेशन? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. यस वेरी गुड. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ. ठीक है इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. ऐसा कुछ लीफ पढ़ाया था तो ये अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज व्हाट कॉल्ड वेनेशन. वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? वेनेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लीफ एंड द लीफ व्हिच आई एम मेकिंग हियर राइट नाउ?
What is the difference between both these leaves? Who will give the answer? Yes. This is simple leaf. याद है आपको इससे पहले पढ़ाया था. This is simple leaf and this is compound leaf. ये क्या है? Simple leaf और ये क्या है? Compound leaf है. Is it clear? Compound leaf. Yes. तो ध्यान रखिएगा, इतने जल्दी मत भूलिए. अभी कुछ दिन पहले ही ये चैप्टर पढ़ा था. This is compound leaf and this is simple leaf. Now next example which I'm going to give is now which venation is this? This is which kind of venation? Parallel venation. Very good. Give few example of parallel venation. Let me see how many of them are giving answers. Maize. Yes, very good. Maize. Next is grass. Grass. Very good. Next. Next, banana leaf. So these are having what? Which venation? Parallel venation or reticulate venation? बहुत ही common examples है. Guava leaf, mango leaf, और neem leaf is also having. Yes. Neem leaf. Any other? Lemon leaf. Ma'am, mango leaf. Yes, yes. So almost all the trees which you will see nearby your surrounding, जितने भी fruit वाले होते हैं, जो fruit giving plant है, वो अधिकतर क्या है? Reticulate venation वाले हैं. ठीक है? Reticulate venation. Parallel venation के examples are less in comparison to reticulate venation. That is very good that you all have remember. Okay, remembering part is very important. Now talking about a leaf, I'll ask the structure of that. Let me see how many of them can give the answer. This part is what called lamina. Very, very good. Lamina. Okay, this part, pointed part, is what called leaf apex. Yes. Okay, now the midline. Very good. Now the line which I'm drawing downside here. Petiole or stalk. Ya to stalk kahiye ya petiole. Yes, done. Now yes ma'am. Mistake hai abhi. No, this is petiole aur ye petiole stem se attach hota hai. Dekhiye jaise ye stem ho gaya aur ye ho gaya petiole aur ye kya ho gaya stem. Okay ma'am. Or this is petiole and this is leaf. Okay, with the help of petiole, leaf is attached to the stem. Petiole ki madad se hi leaf kisse attach hota hai? Stem se attach hota hai. Okay. Now, the next question is what? Now, this. What is this? What I have made here? Ma'am, now tell me what I have made here. Ma'am, pistil. Yes, pistil. Very good. Pistil. Okay. Another name of pistil. Quickly. Ma'am, ambrosium. No. Wrong. Ma'am, gynoecium. Yes, very good. Gynoecium. Another name. Gynoecium. Or koi naam hai? Yes, ma'am. Sepals. No, ma'am. Ma'am, pistil ka. Okay, female parts. Okay. Female parts. Yes, ma'am. Pistil and gynoecium. Okay, now quickly, this part. What is the name of this part?
यस वेरी गुड भाई, दिस इज फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट में स्टिग्मा कहाँ से आ जाएगा? अरे सॉरी, एंथर कहाँ से आएगा? दिस वन, दिस पार्ट. स्टाइल, स्टाइल. नेक्स्ट पार्ट मैम, स्टाइल. नेक्स्ट पार्ट प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है? मैम बर्ड. मैम बर्ड. नो नो, फ्रूट का फॉर्मेशन याद रखिए ओवरी से होता है. ओके, ओवरी से. यस, रिमेम्बर इट. फ्रूट विल बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ओवरी, और जो सीड होता है वो ओव्यूल से बनता है. ठीक है, ये ओवरी आगे जाके क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा. तो ये याद रखिएगा, ओवरी विल, यस ओवरी विल अल्टीमेटली फॉर्म व्हाट? एट लास्ट इट विल फॉर्म फ्रूट, एंड ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा. ओके, सो या आई एम वेरी हैप्पी. At least few of them are studying and looking very energetic. Now next question. Next question is, okay, what is the name of, what is the name of the flower which I have taught you in the class? Ma'am, hibiscus. Yes, hibiscus. Hibiscus, ma'am. Bolte hai usko? Gudhal. बहुत लोग अड़हुल भी बोलते हैं. हाँ, हर जगह का रीजनल, जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ वहाँ फूलों के. यस, मेडिसिनल फ्लावर भी है, काम में आता है, एंड फॉर ऑफरिंग टू गॉड ऑल्सो वी नीड दैट फ्लावर. नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड रिलेटेड टू लीव टूडे? नो मैम. आर यू एंजॉइंग द क्लास? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any problem to anyone? No, ma'am. Okay. कुछ पूछ रहे हैं तो पूछिए. Still 1 minute is there with us. No, ma'am. कुछ नहीं पूछना है. ठीक है, तो get ready. क्या लिखी है? बेटा सब पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं. Leaf apex. Yes, ma'am. APEX. मैं वो है बीच वाला जो